अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बैंकर। इस वीडियो में हम बरवक्त मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर इस ऐप की एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको आसानी से अगर लोन अमाउंट चाहिए 25,000 रुपये तक, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, साइन अप करें और अपना डाटा प्रोवाइड करें और लोन हासिल करें, और रीपेमेंट भी आसान आपको बताई जाती है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई आपको इस एप्लीकेशन से लोन हासिल करना चाहिए और क्या ये SECP से रजिस्टर्ड है, और जो प्रीवियस लोगों ने प्रीवियसली इससे लोन हासिल किया है उनके तजुर्बात क्या कहते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन में। इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे कि क्या वाकई आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यकीनन लोन एप्लीकेशन के थ्रू ये आसानी पैदा की गई है कि आपको अगर थोड़ी सी अमाउंट 25,000 रुपये तक लोन चाहिए तो वो आसानी से आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाए, बजाय आपको कहीं से दोस्त से उधार पकड़ने के। आप आसानी से इस मोबाइल ये जो नीड है इसको टैकल करने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो इसमें आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से ये ऐप, उसके बाद साइन अप करना पड़ता है, अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है, यानी अपनी CNIC की फ्रंट और बैक स्कैन करनी पड़ती है और आप वेरीफाई हो जाते हैं। इसके बाद आपने अमाउंट सिलेक्ट करनी है और टाइम सिलेक्ट करना है कि कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, और फिर आपका डाटा रिव्यू किया जाता है कि वाकई आप जेन्युइन पर्सन है, और इसके बाद आपको लोन मिलता है। लोन के जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है उस फिर आपने उसको रीपे करना है। यकीनन ये एक मार्कअप बेस्ड एप्लीकेशन है, इस पर इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है और आपको लोन दिया जाता है। तो इसमें जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है आपको, 24 घंटे में कभी भी आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे आपसे कोई सिक्योरिटी, कोई मॉर्गेज डिमांड नहीं की जाती कि आप कोई चीज़ गिरवी रखवा कर जैसे बैंक से लोन हासिल करते हैं, इस मोबाइल एप्लीकेशन से भी ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपने डाटा प्रोवाइड करना है और लोन हासिल करना है, और आप वैरायटी ऑफ मेथड से पेमेंट रिसीव करते हैं, आपके इजी पैसा अकाउंट में, जैज कैश में और दूसरे बैंक अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, और फ्लेक्सीबल लोन अमाउंट और टेन्योर है, यानी 25,000 तक जितना भी लोन हासिल करना चाहे मिल जाता है। तो एक्चुअली रियलिटी में क्या हो रहा है कि आप 25,000 लोन लेना चाह रहे होते हैं लेकिन आपको 2,000 या 5,000 इनिशियली दिया जाता है, जब आप रीपे करते हैं फिर लोन अमाउंट बढ़ा दी जाती है। इसी तरह आपकी रीपेमेंट जो रूटीन है उसको देखकर आपकी लोन अमाउंट बढ़ती जाती है। रिलेटिवली लो फीस का इस का दावा है, ये मैंने इनकी वेबसाइट से ही उठाया डाटा कि इनकी फी लो है, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कुछ ऐसे यूजर्स का एक्सपीरियंस जिन्होंने इस एप्लीकेशन से लोन हासिल किया उनको कैसा लगा। तो ये मेहदी हसन है, ये ट्विटर पर लिखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक लोन ऐप के बहुत इश्तिहार चल रहे हैं जिसका नाम बरवक्त ऐप है। आप सबको आगाह किया जाता है कि ये बहुत ही सूदी निज़ाम पर मुश्तमिल है, इसको 25,000 का झांसा देकर आपको फंसाया जाता है और 15 दिन के कम अरसे में 10,000 का सूद देना होगा। अगर नहीं दिया जाता तो ये 15 दिन बाद डबल हो जाता है और वो आपको कर्ज की वापसी के लिए बार बार कॉल्स करेंगे, अगर आप इनकार करेंगे तो वो आपके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर देते हैं। लिहाजा इस ऐप को इंस्टॉल और इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बरवक्त ऐप आपके डाटे को हर किस्म की गैरकानूनी मकामात पर आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। सूद और फ्रॉड से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। इसी तरह अल्ताफ अहमद कहते हैं कि बरवक्त के साथ एक और ऐप BIG लोन के नाम से, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन से बच कर रहें, ये लूट रहे हैं और अगर लोन में एक दिन भी लेट हो जाए तो ब्लैकमेल करते हैं। बी केयरफुल ऑफ दीज ऐप्स, अ हम्बल एंड ऑनेस्ट सजेशन। तो इस तरह के ये जो आपके सामने इश्तिहार आ रहा है ये भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग रिट्वीट कर रहे हैं कि ये सेम चीज़ के 25,000 का झांसा दिया जाता है, 10,000 सूद लिया जाता है और FIR की धमकी भी दी जाती है अगर आप इसको रीपे नहीं करते। शाह हुसैन कहते हैं कि मेरे दोस्त ने चेक करने के लिए 2,000 रुपये लोन अप्लाई किया, 1,500 रुपये मिले और 15 दिन बाद फ़ोन आया कि 2,340 रुपये जमा करें। फिर मैंने लाइट लिया और पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि 3,100 बरवक्त लोन जमा करें। तो ये देखें, आपके जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो लोन अमाउंट आपकी डबल हो रही है, और इसी तरह ये जो है इस पर मार्कअप देखिए आप कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस ऐप को आपने अवॉइड करना है, इससे इसको इंस्टॉल नहीं करना। एक तो ये कि आपके मार्कअप बेस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड है,
दूसरा ये कि ये आपसे आपका डाटा लेती है, जैसे आपका CNSE नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल है, तो ये बहुत रिस्की भी आपके लिए हो सकती है। तीसरी बात ये है कि ये SECP से रजिस्टर्ड नहीं है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान में जो भी ऐसे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोगों से डिपॉजिट अट्रैक्ट करते हैं या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो है SECP से रजिस्टर होना जरूरी होता है। लेकिन इसके बारे में डॉन की ये रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये SECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ये इनका दावा है, क्लेम करते हैं कि रजिस्टर्ड है लेकिन एक्चुअली ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो SECP का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई भी स्टार्ट की लेकिन देखने में कुछ नहीं आ रहा, इसको शट डाउन कर देना चाहिए SECP की तरफ से, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनका डाटा चोरी किया जा रहा है। तो SECP से गुजारिश है कि इसके बारे में जल्दी जो है वो एक्शन करें और इस ऐप को बंद करें अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, जैसा कि डॉन न्यूज़ ने दावा किया है। होपफुली यू लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। शुक्रिया।